फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आ गई है दिवाली, ऑब्वियसली हमें दिखना है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सा, यू नो, मेकअप भी करना है। तो DIY जो होम रेमेडीज होती है ना, उसे करने के बाद आप मेकअप करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके चेहरे पे एक निखार आएगी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब हम होम रेमेडीज करते हैं ना, उससे हमारे फेस पे ना पिंपल्स वगैरह आने के कोई चांसेस नहीं होते। क्योंकि मैं आज आपके साथ में मुल्तानी मिट्टी का एक ऐसा पैक यूज करके बताऊंगी कि आप जब मेकअप भी करें, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं अपने चेहरे पे ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स देखिए होता है, क्योंकि उसमें केमिकल वाली चीजें होती है। बट मुल्तानी मिट्टी ऐसा होता है, हमेशा मेरे साथ वीडियो बनाते हो। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करती हूँ मैं यहाँ पे, बट रुक जाती हूँ, कोई है चांस। तो चलिए, अभी पता नहीं कहाँ पे थी, फिर भी अब शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना होता है मुल्तानी मिट्टी। तो मैं यहाँ पे देखिए एक बाउल ले लिया है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी लेंगे आप, 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी लेना है हमें यहाँ पे। मैं अपने अंदाज से ले रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा हो गई, 2 टेबल स्पून हो गई। हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा फेस के अकॉर्डिंग हम उतना ही मुंह बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये है 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे जितनी भी इंग्रेडिएंट्स को, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, देखना है और इससे ही इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप चाहती हैं आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे, मुहासे, पिंपल्स ना रहे, वो भी आप बहुत ही अच्छा सा मेकअप के बाद ग्लो आए ना, तो ऐसे ही आपको ये करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ग्लिसरीन। आप हमेशा याद रखिए, ग्लिसरीन तो आपके पास होना ही चाहिए, आपके स्किन के पीएच बैलेंस को ये एकदम बरकरार रखता है। तो ज्यादा नहीं डालते हैं हम इसमें, सिर्फ हाफ टी टेबल स्पून डालते हैं, ठीक है। ये डाल दी हमने इसके अंदर ग्लिसरीन। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें बादाम का तेल, ठीक है। बहुत ही अच्छा होता है बादाम का तेल, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये बस थोड़ी रह गई है। अब यहाँ पे सेम वही क्वांटिटी में हम बादाम का तेल डाल देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा सा स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसे कहते हैं अंबा हल्दी। बहुत से लोग अंबा हल्दी कहते हैं और बहुत से लोग इसे कस्तूरी हल्दी इसके नाम से भी जानते हैं, लेकिन साउथ में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्किन को ब्राइटन एंड निखारने के लिए, स्किन लाइटनिंग का बहुत ही अच्छा सा सोत्र पाया जाता है, सोर्स पाया जाता है। कैसे होता है ना, तो ये बहुत ही अमेजिंग होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अंबा हल्दी है, ठीक है। इसे बिल्कुल भी आपको हाफ टी टेबल स्पून के अकॉर्डिंग लेना होता है, ज्यादा नहीं लेना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब मेरे पास स्पून नहीं है, बस मैं आप लोगों के साथ में बैठी हूँ, तो इस तरह से मैं सोचा चलो अपना भी, हमारा भी स्किन केयर हो जाएगा आप लोगों को, तो मैं बता ही रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको सेम इसी तरह से लेना, अंबा हल्दी ना बहुत ही अच्छा होता है। तो साउथ में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किन एकदम फ्लॉलेस बनाने के लिए ना, लड़कियां अपने स्किन को निखारने के लिए इसी चीज अंबा हल्दी का यूज करते हैं, मुल्तानी मिट्टी में डाल के। बाकी की चीजें वो यूज नहीं करते, बट अंबा हल्दी से बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट आता है। तो अंबा हल्दी मुल्तानी मिट्टी में डाल के भी अगर आपने लगा लिया, अगर आपके पास ये सारी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तब भी आपका एकदम स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई पिंपल्स दाग धब्बे तो रहेंगे नहीं। हफ्ते में इसे 3 बार जरूर करिएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब मैं लेने वाली हूँ गुलाब जल। आप गुलाब जल ले लीजिए या फिर आप ठंडा पानी ले लीजिए, इसे मिक्स करेंगे, हाँ, इसका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। उतनी कंसिस्टेंसी हमें रखना है जितना कि हमारे पूरे फेस पे लग जाए। मैं यहाँ पे अपने फिंगर को यूज करने वाली हूँ, यहाँ पे कोई ब्रश नहीं यूज करने वाली मैं। आप चाहेंगी तो आप यूज कर लीजिएगा, आपको ब्रश की अगर हेल्प चाहिए तो आप ब्रश यूज कर लीजिए। तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से सबसे पहले तो इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हर एक चीज को हमें यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारे फेस पे अप्लाई करने के लिए एकदम रेडी हो जाए पेस्ट। और आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, ये जो आपके पिंपल्स होते हैं ना, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, क्लियर क्रिस्टल आपको ये बहुत ही अच्छा सा क्लियर, एकदम क्लियर स्किन देगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये देखिए, हमने ये बना के रेडी कर लेना है इस तरह से, हाँ। अब चलिए इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी, पहले सबसे बालों को मैं ऊपर टाई कर लेती हूँ, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, बाल ऊपर टाई नहीं कर पाई, बट बैक साइड में कर लिया है, और इसे अभी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसे अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजिएगा, कुछ इस तरह से। वैसे भी ये सारी चीजें करते करते फ्रेंड्स, मेरी खुद की स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है,
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, तो मेरे ये प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर लोग जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही मैं इंस्पायर होती हूँ और इस तरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो ज़रूर कर दीजिएगा लाइक इसी बात पर, क्योंकि आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे मिले तब जाके मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की है, और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि मैं अपनी कोई भी थोड़ी सी भी नॉलेज है आप लोगों के तक पहुंचा सकूं और उसे शेयर कर सकूं। तो देखिए, इसी तरह से आपको भी लगा के इस तरह से यूज कर लेना है अपने चेहरे पे। नेक एरिया को आप कभी नहीं भूलिए, क्योंकि हमारा हम भूल जाते हैं अक्सर, बट यहाँ पे डार्कनेस, डार्क स्किन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये सारी एरिया हमारी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अच्छा जी, आपको अगर बहुत सारे स्वेट आते हैं ना फेस पे, पिंपल्स, मुहांस एकदम जकड़न वाली, मतलब ऐसे सफेद सफेद जो कलर की निकलती है ना एकदम से, बड़ी खतरनाक होती है, बहुत बेकार लगता है ना वो, जब ब्लैक हेड्स वगैरह और व्हाइट हेड्स के रूप में वो निकल के आता है। इसके लिए भी बहुत अच्छा ही ये जो रेमेडी है, आप बिल्कुल भी इसी तरह से बना के करिएगा। और ये जब आप रिमूव करेंगे ना, ठंडे पानी से इसका इसे रिमूव करना होता है। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो ठंडा ही पानी लेके आप उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एलोवेरा जेल का यूज करेंगे। इतना आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास अगर प्लांट है तो आप प्लांट में से उसे कट करके बीच में से एलोवेरा का बहुत अच्छे से मसाज करके आपको छोड़ देना है। एक आप देखेंगे ना, हफ्ते भर में, मतलब हफ्ते में से 3 बार करिए, इस तरह से महीनों भर तक करते करते ना आपका बहुत अच्छे से स्किन है एकदम अच्छा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जो पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है दाग धब्बे भी निकल जाएंगे। बट इस फेस पैक को आप यूज करते करते जरूर करिएगा। एलोवेरा के लीफ को बीच में से कट करके अपने चेहरे पे अच्छे से इस मसाज करने के बाद आप उसे उसी तरह से छोड़ दीजिए दिन भर में, ठीक है। रात को भी इस तरह से एलोवेरा का मसाज करके आप छोड़ दीजिए देंगे ना, तो भी बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ एक डाइट बताऊंगी, स्प्राउटेड चीज ज्यादा से ज्यादा खाइए। मुझे खुद पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैंने इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया है तब जाके अब तो मुझे एक बार भी पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अभी इसे ज्यादा बातें नहीं करूंगी, इसे ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद मैं इसे क्लीन करके आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है, थोड़े बहुत बालों पे भी लग गया था, कोई बात नहीं, इसे क्लीन कर लेंगे। एक वाइप ले लीजिए, अच्छी तरह से इसे गीला कर लेना है कॉटन के कपड़े को, और धीरे धीरे इस तरह से आपको प्रेस करते जाना है, क्योंकि ये पूरा स्किन जो है ना टाइट हो चुका है ना, तो ये सबसे एरिया जो हमारा होता है ना, ऐसे इसे लूज करेंगे, ठीक है। और इसे इस तरह से रिमूव करेंगे, तो ये देखिए स्किन से अब छूटने लगा है, ये बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट देने वाला है फ्रेंड्स, और इसे जरूर ट्राई करिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, इतना अच्छा सा आपको ग्लो जो दिख रहा है फेस पे, है ना, अमेजिंग सा DIY। तो इसी तरह से आपको भी बना लेना है, अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है। आपका फीडबैक आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी mumbikarbindu@mumbikarbindu, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, धीरे धीरे से रब करते हुए इसे निकाल दीजिए। चलिए, अब आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। जरूर करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट मिलने वाला है। दिवाली आ गई है, याद रखिएगा इसी तरह से करिएगा और आपके चेहरे को फ्लॉलेस बनाइएगा, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।